द बॉस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जहां भी तुम जाओ, इसराइल में एक अकाल पड़ गया। एलीमेलेक, नाओमी और उनके पुत्र भोजन की खोज में मोआब को गए। एलीमेलेक मर गया। पुत्रों ने मोआबी स्त्रियों ओरपा और रूथ से विवाह कर लिया। तब पुत्र भी मर गए। तीनों स्त्रियों के पास पति नहीं थे। जब इसराइल में अकाल समाप्त हो गया, नाओमी ने घर जाने का फैसला किया। मोआब में ही रहो, उसने अपनी बहुओं से कहा, ये तुम्हारा घर है। ओरपा वहीं रही, पर रूथ ने कहा, जहाँ भी आप जाओ मैं जाऊंगी, आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ और नाओमी इकट्ठे वापस इसराइल को गईं। ये इसराइल में फसल के कटने का समय था। नाओमी ने रूथ से कहा कि वो जाकर खेत में काटने वालों के पीछे फसल को बीन ले। खेत एलीमेलेक के संबंधी बोअज का था। बोअज रूथ के पास आया। तुम नाओमी के साथ बहुत अच्छी रही हो, बोअज ने कहा। घर छोड़ना मुश्किल रहा होगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। उसने रूथ को भोजन दिया और अपने जवानों को उसकी देखरेख करने को कहा। रूथ ने नाओमी को बताया कि क्या हुआ था। नाओमी मुस्कुराई। जब कोई मरता है, उसका निकट संबंधी उसके परिवार की देखभाल करता है। वो व्यक्ति उनका निकटतम छुटकारा देने वाला संबंधी है। बोअज हमारा निकटतम संबंधी है, उसके निकट ही रहना। इसलिए रूथ बोअज के निकट रही। वो हर दिन उसे और ज्यादा पसंद करने लगा। बोअज ने एलीमेलेक की जमीन खरीदी और नाओमी और रूथ की देखभाल की। तब उसने रूथ को उसके साथ विवाह करने के लिए कहा। एक पुत्र ओबेद पैदा हुआ। ओबेद का पुत्र यिशै था। यिशै का पुत्र दाऊद था और दाऊद इसराइल का महान राजा बन गया। इसलिए परमेश्वर ने रूथ को आशीष दी, ठीक जैसा कि बोअज ने प्रार्थना की थी। रात में एक आवाज। हन्ना उदास थी क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे एक पुत्र शमूएल दिया। वो बहुत धन्यवादी थी, इसलिए उसने शमूएल को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। हन्ना ने उसका बेटा जो छोटा था को एली याजक के साथ तंबू में छोड़ दिया। शमूएल ने बूढ़े अंधे एली की सहायता की। वो तंबू में ही सोता था जबकि एली साथ के कमरे में सोता था। एक रात शमूएल ने उसका नाम पुकारती एक आवाज को सुना। वो उठा और दौड़कर एली के पास गया। क्या आज्ञा है, उसने कहा। मैंने तुझे नहीं बुलाया, एली घुरघुराया। वापस अपने बिस्तर पर चला जा। शमूएल वापस बिस्तर पर चला गया। उसने फिर उसका नाम सुना। शमूएल दौड़कर एली के पास वापस गया। क्या आज्ञा है, उसने कहा। मैंने तुझे आवाज नहीं दी, एली नींद में बड़बड़ाया। वापस अपने बिस्तर पर चला जा। शमूएल के तीसरी बार आवाज सुनने के बाद एली ने कहा, ये प्रभु था। अगर वो दोबारा आवाज लगाता है, एली ने कहा, कहना प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। इस तरह शमूएल ने वैसा ही किया। शमूएल, परमेश्वर ने कहा, क्या तू मेरा नबी हो सकता है और वफादारी से मेरे शब्दों को मेरे लोगों तक पहुंचा सकता है? मैं कर सकता हूँ, शमूएल ने कहा, और उसने अपने बूढ़े होने तक भी ये किया। खरगोफन और बड़ी बातें। इसराइल के पहले राजा का नाम शाऊल था। राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए परमेश्वर ने शमूएल नबी से कहा, शिये नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ, उसके पुत्रों में से एक नया राजा होगा। शमूएल को यिशै बैतलहम में मिला। उसने यिशै के सात पुत्रों को देखा। वो सुंदर और बलवान दिखते थे। उनमें से कोई नहीं, परमेश्वर ने कहा,
मैं बाहरी रूप को नहीं देखता, मैं एक व्यक्ति की आंतरिक दिल की परवाह करता हूँ। यिशै ने उसके सबसे छोटे बेटे को संदेश भेजा जो खेतों में भेड़े चरा रहा था। शमूएल ने उसे देखा और परमेश्वर ने कहा, वही है, इस तरह दाऊद नया राजा होने के लिए अभिषिक्त किया गया था। कुछ समय के बाद इसराइलियों ने पलिश्तियों के साथ युद्ध किया। एक दानव पलिश्ती सिपाही गोलियत ने इसराइलियों को उसके साथ लड़ने के लिए एक योद्धा को भेजने के लिए कहा, पर सभी इसराइली डरे हुए थे। दाऊद सेना में उसके भाइयों के लिए भोजन लेकर आया। उसने गोलियत की चुनौती सुनी और डरा नहीं। परमेश्वर की सेना का अपमान करने की उसकी इतनी हिम्मत? दाऊद ने कहा, मैं उसके साथ युद्ध करूंगा। अचंभित हुए राजा शाऊल ने दाऊद को अपने शस्त्र देने की पेशकश की। नहीं, दाऊद ने कहा, परमेश्वर ने जंगली जानवरों को मारने में मेरी सहायता की है, वो गोलियत के विरुद्ध भी मेरी सहायता करेगा। दाऊद ने 5 पत्थर और 1 गोफन लिया। क्या मैं एक कुत्ता हूँ? गोलियत दहाड़ा, तुमने मेरे साथ युद्ध करने के लिए एक छोटे से लड़के को भेजा है। तेरे पास एक भाला है, दाऊद ने कहा, पर मेरे पास इसराइल के परमेश्वर की सहायता है। दाऊद ने गोफन में पत्थर डाला और घुमा कर मारा। ये गोलियत के माथे में लगा और उसे नीचे गिरा दिया। इसराइलियों ने पलिश्तियों को हरा दिया। परमेश्वर की सहायता के साथ दाऊद एक हीरो था। जहां भी तुम जाओ, इसराइल में एक अकाल पड़ गया। एलीमेलेक, नाओमी और उनके पुत्र भोजन की खोज में मोआब को गए। एलीमेलेक मर गया। पुत्रों ने मोआबी स्त्रियों ओरपा और रूथ से विवाह कर लिया। तब पुत्र भी मर गए। तीनों स्त्रियों के पास पति नहीं थे। जब इसराइल में अकाल समाप्त हो गया, नाओमी ने घर जाने का फैसला किया। मोआब में ही रहो, उसने अपनी बहुओं से कहा, ये तुम्हारा घर है। ओरपा वहीं रही, पर रूथ ने कहा, जहाँ भी आप जाओ मैं जाऊंगी, आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ और नाओमी इकट्ठे वापस इसराइल को गईं। ये इसराइल में फसल के कटने का समय था। नाओमी ने रूथ से कहा कि वो जाकर खेत में काटने वालों के पीछे फसल को बिन ले। खेत एलीमेलेक के संबंधी बोअज का था। बोअज रूथ के पास आया। तुम नाओमी के साथ बहुत अच्छी रही हो, बोअज ने कहा, घर छोड़ना मुश्किल रहा होगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। उसने रूथ को भोजन दिया और अपने जवानों को उसकी देखरेख करने को कहा। रूथ ने नाओमी को बताया कि क्या हुआ था। नाओमी मुस्कुराई। जब कोई मरता है, उसका निकट संबंधी उसके परिवार की देखभाल करता है, वो व्यक्ति उनका निकटतम छुटकारा देने वाला संबंधी है। बोअज हमारा निकटतम संबंधी है, उसके निकट ही रहना। इसलिए रूथ बोअज के निकट रही। वो हर दिन उसे और ज्यादा पसंद करने लगा। बोअज ने एलीमेलेक की जमीन खरीदी और नाओमी और रूथ की देखभाल की। तब उसने रूथ को उसके साथ विवाह करने के लिए कहा।